स्क्रीन रीडर की दुनिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त सरबजीत सिंह भटनूरिया। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारा आपसे आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, उसे ऑल पे कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि कोई हमें सुझाव देना चाहता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन रीडर की दुनिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त सरबजीत सिंह भटनूरिया। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गूगल क्रोम के बार का हिस्सा देखा था। अब दूसरे पार्ट में हम गूगल क्रोम की जो सेटिंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये दोस्तों थोड़ा सा पार्ट लंबा है, वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसे पूरी तरह ज़रूर देखिए क्योंकि ये इसमें कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है और हर चीज़ आपके काम की है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम गूगल क्रोम में जाते हैं। लेकिन हर रोज़ की तरह आज भी आपसे आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जिन भाइयों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके इस सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। तो आइए चलते हैं पहले हम गूगल क्रोम की सेटिंग में। जैसे हमने गूगल क्रोम की सेटिंग खोली तो ये पहले है यानी कि हम गूगल में हैं, गूगल क्रोम में हैं। दोस्तों, ये दो नंबर पे क्या है, ये हमारी ईमेल आईडी है जो हमने यहाँ पर खोल रखी है। तो आपको इससे क्या होगा, यदि आपने एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं तो आप उसमें बारी बारी से किसी में से भी स्विच कर सकते हैं जिसको आप रखना चाहते हैं। मैंने एक ही रखा हुआ साइन इन सरबजीत सिंह है, ये ऑन है। मैनेज योर गूगल अकाउंट 4 of 9। मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। मैनेज ऐड अकाउंट द डिवाइस मैनेज योर गूगल अकाउंट 4 of 9। ये देखिए इसमें से क्या है, क्लोज ऐप सरबजीत डन हेल्प सर्च गूगल सिलेक्टेड होम पर्सनल इन्फो 2 of 6। दोस्तों, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या कि आपकी जो जीमेल है वो कहाँ कहाँ पर खुली है और किस किस डिवाइस में चल रही है। आप चाहे तो यहीं से उसे लॉग आउट कर सकते हैं। डेटा एंड प्राइवेसी 3 of 6। डाटा एंड प्राइवेसी, आप इसकी प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी 4 of 6। सिक्योरिटी में क्या आप पासवर्ड वगैरह जो है उसे चेंज कर सकते हैं और इसकी और भी सेटिंग्स को जो है आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पीपल एंड शेयरिंग 5 of 6। पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस 6 of 6। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, आप जब कोई पेमेंट करते हैं तो आप किस माध्यम से करना चाहते हैं यहाँ पर उसे बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। मैनेज योर इन्फो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टू मेक गूगल वर्क बेटर फॉर यू फाइंड आउट मोर 1 of 7 एनलिस्ट 7 आइटम पेमेंट मैनेज योर इन्फो प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन सी डिटेल्स प्राइवेसी मैनेज योर डेटा एंड प्राइवेसी।
Showing items 2 to 3 of 7. See details. Your account is protected. Reviews. See that showing privacy and manage your info. Privacy and security to make Google work better for you. Find out more. 1 of 7. ये क्या है? इसको यदि आप ऑन रखते हैं तो आप Google Chrome में जो कुछ भी करते हैं या आप किसी कोई साइट गलत खोलते हैं तो वह उसे यहीं से बता देता है आपको आप इस साइट में सुरक्षित नहीं है तो यह उसे ओपन नहीं होने देता है. Privacy and personalization. See the data in your Google account and choose what activity is saved to personalize your Google experience. 2 of 7. ये क्या है? इसको ऑन करने से Google Chrome के पास सभी हमारी गतिविधियां जाती रहती हैं और जो जो भी हम वहां पर सर्च करते हैं या कुछ भी करते हैं या कोई हमारा पासवर्ड शेयर रहा है तो यहां से वो हमें एक संकेत करता है. Managed payment, people, sick, data and personal, selected, personal info, personal information info, देखने क्या है? Selected, data and private, security, for people and sharing, payments and subscriptions, secure profile info and Google services, basic info, 2 of 11, your profile info and Google services, personal info and options to Google account, stop, window Samsung pause. दोस्तों ऐड अकाउंट सेल्फी विद पॉज मैनेज योर गूगल ऐड अकाउंट द डिवाइस 6 ऑफ 9 ऐड अकाउंट द डिवाइस. इसमें क्या है? आप यहां से अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं. मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है नहीं तो नहीं पता चलेगा. मैनेज ऐड अकाउंट द डिवाइस ऐड अकाउंट के हम जैसे करेंगे सेटअप सेटिंग्स स्कैन योर फिंगरप्रिंट यहां पर आपसे वेरीफाई योर आइडेंटिटी स्कैन फिंगरप्रिंट मांगेगा या फिर आपका पासवर्ड मांगेगा. मैंने स्कैन फिंगरप्रिंट कर रखा है तो हमने इसको गूगल प्ले सर्विसेज साइन इन विद योर गूगल साइन इनचेस गूगल साइन इन विद योर गूगल अकाउंट साइन इन ठीक है. अब आगे चलते हैं. गूगल साइन इनचेस जब आपने नया करना हो तो आपको गूगल का करना है, याहू का करना है, किसी का भी करना वो यहां से कर सकते हैं. हम यहां पर साइन इन विद गूगल गूगल का करेंगे. गूगल साइन इन विद योर गूगल साइन इन विद योर गूगल अकाउंट लर्न मोर ईमेल और फोन. दोस्तों यहां पर आप अपना ईमेल और फोन भी डाल सकते हैं. अपना ईमेल या फोन नंबर कोई भी डालेंगे जब आप पहली बार फोन लेते हैं या फिर नया अकाउंट यहां पर ऐड करने के लिए. ठीक है. फॉरगॉट ईमेल तो ये पूछ रहा आपको ईमेल याद नहीं है. यदि नहीं याद तो आप गेट पे करेंगे. नेक्स्ट अन्यथा यहाँ पर आप ईमेल और फोन यहाँ पर फोन ईमेल भरेंगे और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करने के पश्चात अभी ये नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ईमेल डाली नहीं है कोई भी. तो उसके पश्चात ये आपसे पासवर्ड मांगेगा तो आपने पासवर्ड दे देना. अन्यथा आप न्यू क्रिएट के ऊपर करके यहाँ से नया अकाउंट भी बना सकते हैं. हम अगली वीडियो में अकाउंट क्रिएट करना भी ज़रूर दिखाएंगे यहाँ पर लेकिन अभी इसमें इतना ही. Back with Saravjit Singh. Sign out and collapse. Sign out and turn off sync. 8 of 9. Enlist. दोस्तों ये क्या है? Window Saravjit Singh. इस sign in sync को रखना चाहिए. इससे क्या होता है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं या कैलेंडर होता है हमारा वो sync के माध्यम से हमारी मेल में खुद ही अपलोड होता रहता है. जब भी हम कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो वो हमारी मेल में ऑटोमेटिक जाता रहता है. तो वीडियो वगैरह भी हम उधर ही सिंक कर सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं या वो बोलता है आप अपनी सिंक को ऑन कीजिए. इससे क्या होता है कि यदि आप किसी और फ़ोन में जाकर अपने कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जहाँ पर मैंने अभी दिखाया था आपको ऐड अकाउंट वहाँ पर जाके आप करके अपनी ईमेल को खोल के अपने सारे पुराने कॉन्टैक्ट जो है ले सकते हैं. तो इसका इसे हमें ऑन रखना चाहिए, साइन इन रखना चाहिए. कोलैप्स आउट ऑफ लिस्ट ड्रॉ सेल्फ पॉप स्टॉप 08 नेविगेट सर्वजित हेल्प एंड साइन इन सर्वजित मैनेज ऐड अकाउंट साइन आउट एंड कोलैप्स आउट ऑफ लिस्ट विथड्रॉ आगे चलेंगे. बैक इसको सेटिंग्स
Settings. Help and you and Google Saravjit Singh. On Google Services. 4 of 21. दोस्तों Google सर्विस क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे. Pause. तो दोस्तों Selfie video. Help improve Chrome's feed. Allow help and feed Google services. Navigate up. Google help and feedback. Allow Chrome sign in. Shows prompts to sign in to Chrome. On. 1 of 5. तो दोस्तों पहले नंबर क्या है? ये Chrome को ऑन रखा ऑन ही होता है ऑलरेडी. ये ऑन ही रहेगा यहाँ पर. यदि ऑन रहेगा तभी हमारी गतिविधियाँ Chrome को जाएंगी. Help improve Chrome's features and performance. Automatically sends usage statistics and crash reports to Google. On. 2 of 5. ये भी हमें ऑन रखना चाहिए. इसके ऑन रखने से क्या होता है कि कई बार जब हम कोई सर्च कर रहे होते हैं तो हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाती है. वह उस की जैसी और वेबसाइट ये हमें ढूंढ के दे देता है. Mate, help improve Chrome's features and performance. Automatically sends usage statistics and crash reports to Google. On. 2. Make searches and browsing better. Sends URLs of pages that you visit to Google. On. 3 of 5. दोस्तों ये क्या होता है? इसके ऑन करने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा था वहाँ पर मैंने लिखा WhatsApp. तो अब मैं क्या WAPOUND डालूंगा ना खुद ही आ जाएगा. या फिर मैंने HRMS लिखा हुआ तो मैं HR लिखूंगा, HRMS नीचे खुद ही लिखा आ जाएगा. इसका ये फायदा होता है ये हमें पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी पड़ती. Improved search suggestions. When you type in the address bar or search box, Chrome sends what you type to your default search engine to get better suggestions. This is often incognito. On. 4 of 5. जिस प्रकार के हम सर्च यहाँ पर करते रहते हैं, जो भी लिखते रहते हैं, ये गूगल क्रोम के पास जाता रहता है. वह हमें उस तरह की चीज़ें ढूंढने में मदद करता है कि जैसे कि हम क्रिकेट के बारे में ढूंढते हैं, एक बार देखा तो अगली बार हम कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे वो क्रिकेट के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें जल्द से ढूंढ के ला देगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं या फिल्म के बारे में देख रहे हैं, कुछ भी है. 5 of 5. हमारे काम का इतना नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है. इसमें क्या होता है, ये टैब होते हैं. जब हम कहीं किसी साइट में सर्च कर रहे होते हैं तो हमने दो साइट खोल रखी हो तो हमें वो वाले वर्ड जो पहले यहाँ पर लिखा था उसको दूसरी साइट में ले जाना है. वहाँ पर टाइप खोले तो उस वर्ड को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो उसकी का क्या कहते हैं उसको, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो वहाँ पर जाकर लिखा जाता है. ये इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है. Collapse. Draw. Self-pop. Stop. 11. Navig. Google Service. Navig. Settings. Basic. Search Engine. Google. 6 of 21. आप सर्च इंजन के बारे में बात करेंगे. सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन. सर्च इंजन दोस्तों इसमें कई प्रकार के इंजन हैं. Search engine, help and feedback, ticked, Google, google.com, enlist. By default, google.com ही होता है, आप इसे. Not ticked, Yahoo. Yahoo भी कर सकते हैं. Not ticked, Bing. Bing भी कर सकते हैं. Not ticked, DuckDuckGo. DuckDuckGo भी कर सकते हैं. Not ticked, info.com. Info.com भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे. लेकिन by default, Google ही होता है, तो. Collapse, out of list, withdraw. Not tick. Help and feed search engine. Navigate up. Settings. Password manager. 7 of 21. हाँ, दोस्तों पासवर्ड मैनेजर क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है. इससे क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने अपनी ईमेल खोली और उसका पासवर्ड भरा तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा. या फिर आपने कोई और चीज़ खोली, फेसबुक खोली या फिर कोई भी पासवर्ड के रिलेटेड कोई भी चीज़ खोली, HRMS खोला या फिर आपने रेलवे की कोई वेबसाइट खोली, तो यार हमें पासवर्ड भूल गया. अब पासवर्ड ढूंढे कहाँ से यार? ये ऑटोमेटिक सेव कर लेते. मैं आपको दिखाता हूँ ये सेव कैसे करते हैं. सर्च इंजन पासवर्ड मैनेजर 7 of 21. गूगल प्ले सर्विसेज and brought Google account password manager 1 of 18 list 18 items. यहाँ पर इसने मेरे 18 पासवर्ड जो है सेव कर रखे हैं. कोई बात नहीं, मैं आपको मतलब ये दिखाऊंगा नहीं,
आप यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शो नहीं करता ऐसे जब तक आप इसे, जैसे मैंने अब भी खोल दिया इसको, इसने ये तो बता दिया कि आपके इतने पासवर्ड हैं, लेकिन ये तब तक नहीं शो करेगा जब तक हम इसे ओपन नहीं करेंगे। Settings, password checkup. Check your saved passwords to strengthen your security. यहाँ पर आपने ओके करना है, तो उसके पश्चात ये ऐसी दिशा में चला जाएगा। देखिए सर्च एड पासवर्ड http एड पासवर्ड, यहाँ पर एड पासवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे देखिए कौन कौन से हैं, Amazon का पासवर्ड भी यहाँ पर उसने सेव कर रखा है, लेकिन मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। Hain, ये पासवर्ड हमने यूज नहीं करे, मैं आपको दिखाता हूँ इसको, देखिए। Scan your fingerprint. तो यहाँ पर Enter your screen lock. जैसे हम इसको खोलेंगे, स्क्रीन लॉक करेंगे, इसकी स्क्रीन Google Play Services. Google Anajkar PinKit with gmail.com. तो ये इसकी मेल है। Copy username. यहाँ से आप कॉपी यूजर नेम कर सकते हैं। Reveal password. रिवील पासवर्ड आप चेक कर सकते हैं। कॉपी पासवर्ड। कॉपी पासवर्ड। एड नोट। एड नोट। एड नोट आप अलग से भी दे सकते हैं। अब मैं आपको पासवर्ड चेक कराता हूँ कैसे करने से। कॉपी पासवर्ड। रिवील पासवर्ड। रिवील पासवर्ड के ऊपर चेक करेंगे। कॉपी। एड नोट। एडिट। डिलीट। कोलैप्स। विंडो सैमसंग। ड्रॉ। कोलैप। डिलीट। एडिट। एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। pinkit@gmail.com पासवर्ड 18 कैरेक्टर्स। Password. तो ये 18 करेक्टर्स का पासवर्ड आपको दिखा रहा है। Not ticked. Show password. यहाँ पर ये नॉट टिक है, जैसे ही हम इसको टिक कर देंगे तो आपका ये पासवर्ड बोल के आपको बता देगा ये कैसे। चलो ये पासवर्ड मेरे काम करें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Note. Not ticked. Ticked. Note. Ticked. pinkit@gmail.com. Ticked. Note. Collapse. Windows. Draw. Self. Pop. Stop. 1549. Stop. 15. Navigate up. Save. Make sure that the editing pinkit@gmail.com ticked. Show password. Note. Ticked. Show password. तो ये रिकॉर्डिंग साथ में चल रही है, मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा इसको क्योंकि पर स्क्रीन के ऊपर आता है ये pinkit@gmail.com password. Show ticked. Show pass. Note. Collapse. Windows Samsung capture. Drop self pop 1625. देखो. Navigate up. Save. Make sure that the pinkit@gmail.com password. Ticked. Show password. Not ticked. तो इसमें इस प्रकार से आप पासवर्ड को सेव और देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो सबके पास जाएगी इसलिए पूरी तरह इसको शो करना उचित नहीं है। Back, window navig, keyboard hidden. Back, scan your fingerprint. Enter your screen lock. Back, Google Play Services. And product help, Google account. And navigate up the password settings. Password checkup. Check your saved passwords to strengthen your secure back out settings. Payment method, address, payment password manager, payment method. तो payment method. 21. Payment method में आप अपनी जो हम Google Pay के माध्यम से या किसी और के माध्यम से जो payment करते हैं, यदि हम Google Chrome के ऊपर सीधा कोई चीज़ खोलकर यहाँ से हम किसी चीज़ की पेमेंट करनी चाहते हैं तो हम यहाँ से उसकी पेमेंट को सेट कर सकते हैं कि हम डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं या गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से करना चाहते हैं। एड्रेसेस एंड मोर 9 of 21. एड्रेसेस एंड मोर। पॉज आउट ऑफ लिस्ट। दोस्तों ये क्या है, जब हम किसी अमेज़न या फिर किसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह जो वो डालते हैं, वो यहाँ पर हमें डाल रखा होगा, तो हम डायरेक्ट हमारा जो पासवर्ड और एड्रेस है वो खुद ही यहाँ से उठा लेगा। Stop. इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तीसरे भाग में अगली जानकारी
दी जाएगी। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। Pause. Out of stop. Pause. Stop.